तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर मोर विद रोनी। तो होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे। आज का सीन है दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दीवार आइलैंड देखने के लिए। एक आइलैंड है बहुत ही सुंदर। पहले यहाँ से मे भी शायद ओल्ड गोवा जाना पड़ेगा या पंजिम तक जाना पड़ेगा, वो नहीं पता। बाकी रूट वूट लगा लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पूरा रुक के आपको देते रहेंगे। और बाकी वहाँ से फेरी चलती है, फेरी के अंदर गाड़ी जाएगी, गाड़ी से हम जाएंगे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाएंगे हम। वहाँ पे हम पूरा घूमेंगे गोवा। और ये बिल्कुल जो होने वाला है ना, ये अनएक्सप्लोर्ड गोवा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग गोवा आते हैं, पार्टीज करते हैं, इन्जॉय करते हैं, पर वो वाले आइलैंड बिल्कुल भी नहीं जाते जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दीवार आइलैंड। तो दीवार आइलैंड चलते हैं भाई। बाकी मेरे यहाँ पर कुछ दोस्त मिल गए थे मेरे को, जो कि नए नए मेरे फ्रेंड्स बने हैं, उनके साथ मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। बाकी उनको भी इंट्रोड्यूस आपको करा दूँगा, पर उससे पहले भाई आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊँगा। ये तीनों मेरे फ्रेंड्स जो आए हैं दिल्ली से आए हैं, मैं इनको करीबन एक घंटा पहले ही मिला था। हमने बहुत ही ज़्यादा चिल किए, एक साथ बैठ के गाने वाने सुने, बहुत सारी बातें करी एक साथ बैठ के। पर अब हमारा प्रोग्राम बन गया दीवार आइलैंड जाने का। तो भाई सारे एक्साइटेड हो भाई दीवार आइलैंड जाने के लिए। पहले यहाँ से जाना कब पड़ेगा? पंजिम, सेंट पेट्रो फेरी। सेंट पेट्रो फेरी तो ये पंजिम में है? हाँ, पंजिम में। तो पहले पंजिम जाना पड़ेगा, पूरा ओल्ड गोवा होते हुए जाना पड़ेगा शायद। में नॉर्थ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब GPS लगा लेंगे, बाकी मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता। बाकी कहीं पे भी हम स्टॉप लेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाली होगी तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं भाई पहले पंजिम की तरफ, वहाँ से फेरी लेंगे और जाएंगे दीवार आइलैंड के लिए। और क्यों ज़्यादा फेमस है वो बाद में आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ब्यूटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी रास्ते की। और चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ी पर निकलते हैं। पहुँचते हुए करीबन लगा यार आधा घंटा यहाँ पे लग गया था यहाँ पे पहुँचते हुए। अभी पूछने के लिए जा रहे हैं कि दीवार आइलैंड जाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। बाकी पूछते हैं यहाँ पे, स्कूटी गाड़ी सब कुछ चलती है, पूछते हैं यहाँ पे जाके। भैया दीवार आइलैंड जाना था तो फ्री है, और टाइमिंग क्यों आएगी? 15 मिनट। हाँ जी, 15 मिनट। दिन में कितने बजे चलती है? रात भर चलती है पूरे दिन? रात भर 12 बजे। और सुबह कितने बजे शुरू होता है? 6 बजे। तो जी गवर्नमेंट फेरी है, इसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करनी है, वैसे स्कूटर और गाड़ी को आपको कुछ भी पे नहीं करना। बाकी जो सुबह 6 बजे शुरू होती है फेरी, रात के 12 बजे तक चलती है। दोस्तों आपको एक बात बतानी याद नहीं रही, शताब भाई जो आया वो गाड़ी लेकर आया भाई। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? गाड़ी लेकर आए हो? बस सही रहा, थोड़ा टायरिंग था बट ड्राइव सेफ किया, नॉट ओवर स्पीडिंग, सब सही। कितना टाइम लगा दिल्ली से गोवा आने में? 3 डेज, एक दिन का रेस्ट स्टॉप किया था। कहाँ पे लिया था? उदयपुर में। फिर पुणे में 4-5 घंटे के लिए रुका था। 4-5 घंटे के लिए रुका था भाई दिल्ली से गोवा सीधा गाड़ी लेकर, और इसी गाड़ी पे हम घूम रहे हैं, क्या बात है। बाकी जी फेरी की राइड स्टार्ट हो गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ये गवर्नमेंट की फेरी चलती है, हर 15 मिनट में चलती है। एक फेरी उधर से निकलती है और दूसरी फेरी यहाँ से निकलती है। जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे और दूसरी फेरी यहाँ तक पहुँचेगी, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। हम निकले थे करीबन 3 बजे यार अपने हॉस्टल से, और हॉस्टल से लगा करीबन पंजिम तक यहाँ तक फेरी तक पहुँचने में 40 मिनट। उसके बाद 5 मिनट की वेटिंग थी, उसके बाद 10 या 15 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। अभी 4 बजे का टाइम हो चुका है लगभग, और अभी जाएंगे किसी होटल में खाना वाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, और पूरा दीवार आइलैंड घूमेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ का मौसम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, इतना छाया वाला मौसम है, ज़्यादा गर्मी वाला नहीं लग रहा। बाकी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद मे भी ये भी हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी नहीं है इस साइड पे। बाकी अभी चलते हैं दीवार आइलैंड को पूरा कवर करते हैं और घूमते हैं।
कौन कह रहा था साउथ गोवा की तरह लगता है बिल्कुल, आपको साउथ गोवा की तरह लग रहा था? नहीं नहीं, वो जो रोड्स थे, रोड्स थे एक्चुअली। मैं साउथ गोवा नहीं गया तो मेरे को तो पता नहीं, बाकी ये नॉर्थ गोवा के अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए नॉर्थ गोवा के, तो ये बिल्कुल वैसे नहीं लगता, बिल्कुल पीसफुल वाइब्स है यहाँ पे, और लोगों के घर भी वैसे ही बने हुए हैं जो कि साउथ गोवा के अकॉर्डिंग ही होंगे। साउथ गोवा के टाइप जिस लाइक आई मीन रोड उतने अच्छे नहीं है साउथ गोवा में जितने यहाँ थे, बट ओवरऑल हाउसेस एंड एवरीथिंग इज जस्ट लाइक वेरी सिमिलर। नहीं, नॉर्थ गोवा में भी ऐसे घर देखने को नहीं मिले, तो मुझे लग रहा था कि साउथ गोवा में ऐसे ही घर होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा रहती है और उनका जो पहनावा है सब कुछ देखने को मिल रहा था, कल्चर देखने को मिल रहा था बीच बीच में। बाकी जी अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, ये पूरा रिजॉर्ट है, ये रिजॉर्ट है होटल है, रिजॉर्ट है एक्चुअली। हम अभी देवैया रिजॉर्ट में आए थे तो यहाँ पे लंच करने के लिए आए हैं, बाकी रिजॉर्ट बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है यहाँ पे। तो जी लंच हो गया है, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और इनका जो स्पेशल जो मील होती है यार वो तो कहीं ना कहीं नहीं मिली, जो फिश थाली खानी थी और बहुत सारे चिकन शाकोती हो गया, चिकन काफ्रियल हो गया, जो गोवा की अपनी स्पेशल डिशेस है वो टेस्ट करना था स्पेशली इस वाले रिजॉर्ट की, और वो मिल नहीं पाया। 3:30 बजे तक ओपन होता है इनका किचन, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अब तो आपको स्नैक्स ही मिल पाएगा जो भी आपको ऑर्डर करना, तो भाई थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया और चाय वाय पी ली, तो भाई थोड़ा सा एनर्जी आ गई है बॉडी के अंदर। बाकी भाई बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, अगर बोला जाए तो बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है, अगर बहुत सारी फैमिली मैंने देखा है कि यहाँ पर स्टे कर रही थी। बाकी दीवार आइलैंड में बड़ी देर घूमते रहे हैं, बहुत इंजॉय करा, बाकी वहाँ पर तो हमें कोई खास टूरिस्ट देखने को नहीं मिला, तो ये थोड़ा हटकर है, टूरिस्ट इतना खास यहाँ पर आता नहीं है, पर हाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और इन फ्यूचर कभी भी किसी को आना हो तो मैं यही कहूँगा भाई डे टाइम में आइए, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आके। तो जी इतनी देर हो गई थी यार इसी रिजॉर्ट में घूमते हुए, बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है यार, अगर किसी को फैमिलीज़ को आना हो साउथ गोवा, स्पेशली आपका प्रोग्राम बनता है साउथ गोवा, नहीं आ पा रहे हो तो नॉर्थ गोवा को थोड़ा एक्सप्लोर करना है, बाकी यार दीवार आइलैंड आ जाओ तो आपको साउथ गोवा की फीलिंग आ जाएगी। ये पूरा रिजॉर्ट है यार, कितना सुंदर रिजॉर्ट बना हुआ है, अलग अलग कलर्स के जो ये रूम्स बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है। तो जी अब दीवार आइलैंड से जाने का टाइम आ गया है, करीबन 6 बजे का टाइम हो गया, सनसेट होने वाला, बाकी हम यहाँ से निकले। बाकी जो लोग आना चाहते हैं तो भाई मैं उनको यही कहूँगा कि आप दिन के टाइम पे अगर आ रहे हो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर कर आइए या लंच कर कर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ना ही कैफ़े मिलेंगे, तो बाकी आपको यहाँ पर रिजॉर्ट मिल जाएंगे एक, जो कि हमने यहाँ पे आके फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि यहाँ पे 2-4 रिजॉर्ट है जो आपको अंदर मिल जाएंगे, रिजॉर्ट पर जाकर आप वहाँ पर रिजॉर्ट में स्टे भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, यहाँ पर उनके जो होटल हो गया वहाँ पर जाके आप कुछ भी फूड ऑर्डर कर सकते हो, और उनकी पर्टिकुलर एक टाइमिंग होती है जो कि आप वहाँ पर जाकर फूड ऑर्डर कर सकते हो और आप मील को एंजॉय कर सकते हो।